साबका डीएसपी बलविंदर सिख नूं लुधियाना पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के हुक्मां ते यह गिरफ्तारी हुई है। कैमरे अगे कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले ते बोलन नूं तैयार नहीं है। बहुचर्चित साबका डीएसपी बलविंदर सिख नूं लुधियाना पुलिस वालों क्यों गिरफ्तार किया गया? दरअसल पुलिस सूत्रों मुताबिक यह गिरफ्तारी हाईकोर्ट के हुक्मां ते की गई है, पर कोई भी पुलिस अधिकारी इस बाबत नहीं बोल रहा। दरअसल उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट से हाईकोर्ट वालों जिहड़ी भी अंदर प्रोसीडिंग होंदी है उसके खिलाफ कहा सीगा, जिस तों बाद यह कार्रवाई की गई है। सत श्री अकाल सारे पंजाब के वासियों को बुला चाहना मैं। मेरे घर अब पुलिस आई, एक वरंट कहने जारी होया हाईकोर्ट ने जारी किया, क्योंकि हाईकोर्ट में असी वरंट कढ़े हुए थे साडे वालों, तो हाईकोर्ट के वरंट निकलने जिहड़े बिल्कुल नैचुरल सीगे, पर जिस तरीके पहला अपना सफल होए असी इन्हों मतलब बाहर कढ़ण दे विच अपने घुरनिआं दे विचों, उस तो अगले एक्शन दे विच जिहड़ा हैगा कि जिहड़ा अज्ज मैनूं इन्होंने अरैसट किया, उस दी कड़ी विच इक बहुत चंगा एक करम है जिहड़ा मैं गिणदा है कि मेरी हुण तक दी कीती हुई जिहड़ी मेहनत सी उन्हें फल लग्या। आने वाला समा जिहड़ा हैगा लोगों ने डिसाइड करना है। ड्रग के केसा के जिहड़ा सी एक आवाज़ उठाई सी पंजाब के लोगों के भले की, उसके जिहड़े लिफाफे खोलने जिहड़े सरकार नूं इह जिहड़े जरूरी नहीं लगे। बलविंदर सिख की कस्टडी जरूरी लगी है, तो यह सरकार भी विच नाल लड़ी हुई है। मैं नाल तुहानूं इह दसना चाहुंदा तो जिहड़ा हैगा एन आई ए चीफ जिहड़ा हैगा जिहड़ा हैगा दिनक दिनकर गुप्ता सुरेश अरोड़ा तो जिहड़ा सूर्यकांत जिहड़ा जज हैगा सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे के सारे अज तो बाद मेरी किसी तरह की कोई मिसहैप नहीं होंगी। मैं पहले भी अपील की थी, हूँ मैं रस्त तौर पर कह रहा कि इस तो बाद मैं नहीं पता की होना, पर मैं वो वास्ते कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई वहम नहीं है, पर जिम्मेवारी तीन बंद नोट की जाए। सुरेश अरोड़ा पुराना डी जी पी साडा, दिनकर गुप्ता एन आई ए चीफ, जस्टिस सूर्यकांत जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये सारे की सारी कारस्तानी सारे की सारी खेड ये तिने खेड रहे हैं। बाकी बहुत इस प्यादे है, पर मेन दोषी जिहड़े है किसी तरह की कोई मैं नुकसान दे जिम्मेवार होंगे। बाकी पंजाब वासियों जिस तरह का आने वाले समय में ठीक लगता होगा वह रिएक्शन देने का हमने समा आ गया, इस करके मैं फिलहाल मेरी ड्यूटी पूरी होंगी है। बाकी जो मैं बाहर आऊँगा या जो कस्टडी चो मैं छड़नगे तो अगली लड़ाई जड़ी की उतों ही शुरू करूँगा। ये मीन टाइम बहुत कुछ होगा, वो वास्ते आप अकाल पुरख से छड़ते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी।